अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया सुमित पीर जी ने। सबसे पहले सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली, और आई विश कि ये साल बहुत अच्छा रहे आपके लिए। जी आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद आपको, आपके सारे परिवार को और हमारे सारे दर्शकों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं नया साल बड़ा शुभ और मंगलमय होगा। बिल्कुल सर। और सर, आज हम बात करेंगे इंडिया की, और डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए कि वो कांटेक्ट में है रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ, तो आपको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? कोई इस जो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बार बार एक हंगामा है वहां पे, उसे कुछ कंट्रोल किया जा सकेगा? मोदी जी बातचीत करेंगे। देखिए अर्जुन जी, हमारी शुरू से कवायद या कोशिश यही रही है लड़ाई रुके, इसलिए न हमने बंदूक भेजा, ना बारूद भेजा, ना कुछ भेजा, बट हमेशा से कहते हैं इट्स नॉट एरा ऑफ वॉर, पीस और सीज फायर की बात। इंडिया एक ऐसा कंट्री जो शुरू से कर रहा है, हमने यूएन की बात करें, कहीं की भी बात करें, कहीं हमने ऐसी कोई काम नहीं किया जिससे लड़ाई बढ़े। हमने हमेशा वही काम किया है जिससे लड़ाई घटे। अगर अब दुनिया में कंसेंसस बनाने की बात हो, दुनिया में बातचीत करने की बात हो, ये सब सारा हमने किया। वी हैव बीन ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट की ये लड़ाई रुके, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि दुनिया से रिसेशन में आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर तीनों विल बिकम अनप्रेडिक्टेबल, जो हो रहा है फूड शॉर्टेजेस आएंगी, ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये हम देख रहे थे। बट अभी देखिए, ये लड़ाई जो है ना अर्जु जी, ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई है नहीं। अगर यूक्रेन तो इंटरफेस है, पीछे सारा नेटो और पूरा वेस्ट की ताकत है। अभी देखिए, पीछे जो बाइडन साहब कह रहे थे कि $47 बिलियन का एड देंगे, अब $47 बिलियन तो बहुत होते हैं ना उसके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अगर वो $47 बिलियन का एड मिल गया, मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप एक्सटिंग्विशर लेके जाइए और लड़ाई बुझाइए, और दूसरी तरफ लोग आग में घी डाल रहे हैं, आग में पेट्रोल भी डाल रहे हैं, डीजल भी डाल रहे हैं, तो अब हमारा काम और भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर वो पेट्रोल डीजल डालना बंद करें तो हम इस लड़ाई को फटाफट जीत जाएंगे, फटाफट सीज फायर करा देंगे। पर दिक्कत ये है कि पेट्रोल और डीजल डालने की और घी डालने की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, कल एक खबर आई रात को, देर रात 2:30 बजे करीब, कि जी रशिया यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि कोई वेस्ट ने उसे नया हथियार दिया जिससे 400 रूसी सिपाही मर गए और कुछ 100 घायल हैं। रशिया ने पहली बार पूरी जंग में एक माना कि हाँ हमारे 63 लोग मरे हैं और कुछ घायल हैं, जबकि रशिया कभी कैजुअल्टी इतने आराम से मानता नहीं है। अब ये देखिए, अब मुझे पता नहीं नंबर कौन सा सही है, 400 या 63 है। अगर मैं यही मान लीजिए कुछ बीच का नंबर ले लेते, 100-200 से भाई मारे, 100-200 घायल है, अगर यूक्रेन यहाँ से ये हरकतें कर रहा है और वहाँ से उम्मीद करता कि हम उसको बचा ले, सीज फायर कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट की मंशा है नहीं सीज फायर कराने की। आप समझिए, वेस्ट नहीं चाहता सीज फायर हो, क्योंकि हो ना क्या आज जी, देखिए जो बाइडेन ने मांगा $1.7 ट्रिलियन US ट्रेजरी से, अभी जो परिस्थिति, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैंने इसका काफ़ी एनालिसिस किया है। US needs $20 trillion, क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज जी डिप्रिशिएट हो चुका बहुत हद तक, $10 से $20 trillion उन्हें डालने पड़ेंगे, और उन्हें हर साल करीब 1.5 से 2 trillion $1.757 trillion मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने पड़ेंगे, बिकॉज अदरवाइज द अमेरिकन विल नॉट बी एबल टू कम अप। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पुराना, आप होटल देखिए, आप वहाँ के फेरी टर्मिनल देखिए, सब इट्स ऑल आउटडेटेड, इट ऑल नीड्स अ रिवैम्प, अ मॉडर्न डे रिवैम्प। अब दिक्कत क्या है, ये बहुत से लोग को सूट करता है कि पैसा निकले लगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, $1.7 trillion ट्रेजरी से मांगना कोई आसान चीज़ नहीं, बहुत बड़ा पैसा होता है। जो बाइडेन साहब ने बोल दिया यार थोड़े बहुत पैसे दे तो खर्चा वर्चा नहीं चल रहा। अब $1.7 trillion में होगा क्या, $47 बिलियन मिलेंगे ज़ेलेंस्की को। अगर $47 मिलियन मिलेंगे ज़ेलेंस्की को, ज़ेलेंस्की क्या करेगा, ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेगा। हथियार खरीदेगा तो हथियारों का डोमिनेंस किसका है, डेमोक्रेट्स का है, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन पैसा जाके फिर डेमोक्रेट्स की जेब में आएगा। ये राउंड टिपिंग ऑफ मनी है, और ऐसे ही कहीं सारा पैसा निकल के कई सारी जगहों में जाएगा। तो अब यहाँ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो गए। एक तो हो गए कि आपके जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, तो आप चाहते हो रशिया यूक्रेन में आपस में लड़ाई चलती है, रशिया भी वीक हो, यूक्रेन भी वीक हो, और ओवरऑल यूरोप वीक हो, ये तो आपका एक इंटरेस्ट है। दूसरा इंटरेस्ट आप क्या चाहते हो, यार इससे पैसे भी आने लगे आपको। तो जब ये दो कॉम्बिनेशन आती है, जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट प्लस पैसा आ जाता है, तो ये अर्जु जी बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन होता है तोड़ना। या तो US ट्रेजरी से मना हो जाए कि नहीं जी आपको 1.7 ट्रिलियन नहीं मिल रहे हैं, पर उनको भी पता कि लगाने पड़ेंगे, और अगर आपके यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बोला था मैं 4 से 5 ट्रिलियन लगाऊंगा, तो 4-5-8 ट्रिलियन में बात बनती,
सबसे इतना टाइम निकल गया, डोनाल्ड ट्रंप आ नहीं पाए और अब इनको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, तो यूएस हैज टू स्पेंड, और जब पैसा स्पेंड होता कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिलता है। देखिए हमारे यहाँ तो कहते हैं करप्शन है एशिया में, पर वहाँ एक यूएस में कॉन्सेप्ट होता है ग्रेवी ट्रेन का, जो अमेरिका में रहे उन्हें समझ आता है ग्रेवी ट्रेन चलती कैसे, तो करप्शन तो वहाँ भी, लॉबिंग और ग्रेवी ट्रेन तो हर जगह चलती है ना, मतलब पूरे यूएस में चलती है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होता। अब यहाँ दिक्कत ये है कि अगर ये वाला पैसा कमाने वाला सिस्टम बन गया, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तक हम मैनेज कर लेते, पैसा कमाने वाला इंटरेस्ट बन गया, इसको कैसे मैनेज करें। दूसरी बात आप बताएं, मैं आपके शो पे हमेशा यही कहता रहा, मैंने कहा आरजू जी लड़ाई कब रुक जाएगी, पहला स्टेप अमेरिका और वेस्ट बोले हम हथियार नहीं भेजेंगे, जेलेंस्की क्या 3 दिन 4 दिन लड़ेगा, मगर वो ऐसा क्यों करेंगे सर, वो हथियार क्यों नहीं बेचेंगे, उनका तो काम ही है। नहीं आपकी बात देखिए ना, फर्क है, पहले हथियार कैसे आता था आरजू जी, पहले हथियार आता था दो चीजें, पहले हथियार आता था यूक्रेन के पैसे से, हथियार खरीदेगा यूक्रेन और उस पैसे से मारेगा रशियन को, रशियन वापस मारेगा यूक्रेनी को, उनका तब अमेरिका की दुकान बिल्कुल सेट चल रही थी। अब यहाँ दिक्कत ये है, यहाँ यूक्रेन के पास पैसा तो है नहीं, वो कह रहा है यार मेरे पास पैसा तो है नहीं, तुम बताओ, तुम पैसे भी तुम दो हथियार भी तुम दो, दिक्कत यहाँ ये है पैसा। अब जो बाइडेन के पास भी नहीं, वो यूएस ट्रेजरी से मांग रहा है, पर हाँ राउंड पेपर ऑफ मनी से कुछ डेमोक्रेट्स के पास पैसा आ जाएगा। तीसरी बात, इतने सपोर्ट के बाद भी ज़ेलेंस्की हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर तो कर नहीं पाया, पुतिन को घुटनों पे ला नहीं पाया, आपने पुतिन को सूट से निकाला, पुतिन तब भी खड़ा है। आज हकीकत ये है पुतिन के पास 20-25% टेरिटरी तो है यूक्रेन की, और जो पीछे उसने ज़ेलेंस्की ने फोन किया था मोदी जी को कि सर हमें बचा लो, और फिर वो ट्विटर पे भी डाला था, और उसकी अगर आप शर्तों को देखें उसमें एक शर्त ये भी है कि ये रशिया पूरी टेरिटरी वापस करेगा। रशिया ने किसकी टेरिटरी आज तक वापस की, किसी की नहीं की, और रशिया हमें हरजाना देगा, सुनिएगा, रशिया हमें हरजाना देगा, इस चीज़ का रशिया ने आज तक बोला यार हमने वर्ल्ड वॉर टू में हरजाना नहीं दिया किसी को, अब हरजाना देने का मतलब ही नहीं है। और तभी मैं कह रहा था ये ना ये कुछ गोलमाल हो रहा है, क्योंकि आपने मोदी जी को फोन किया और उसके कुछ दिन पहले 10-11 दिन पहले इनका एक मिनिस्टर लिखता है कि भाई इंडिया ने बहुत पैसा कमाया रशियन तेल से और वहाँ यूक्रेनी मर रहे हैं, यू आवर ब्लड इज ऑन योर हैंड। सो मैंने उसको जवाब दिया था, मैं कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम हमें ब्लड गुना रहे, तुम के यू आर कैरिंग वेस्ट वॉर ऑन योर सॉइल एंड यू आर फाइटिंग इट विद योर ब्लड, तुम अपनी जमीन पर अपने खून से वो लड़ाई लड़ रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं। और अब आरजू जी आपको याद होगा मैंने आपको बोला था नेटो नाम का शब्द ही गायब हो जाएगा, नेटो नाम का शब्द कहाँ जिसपे लड़ाई हो रही है, आज ये ज़ेलेंस्की बोल दे मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा 15 साल तक लड़ाई कल रुक जाएगी, नहीं बोल रहा ना अभी। तो अब हमारे मुश्किल काम है बहुत ज्यादा, पर मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ हम ब्रेक थ्रू इसलिए ला पाएंगे क्योंकि हमारे साथ सच्चाई की ताकत है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। देखिए लड़ाई जारी रखने में हमारा कहीं से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो चाहते हैं लड़ाई रुकेंगे, ये एक इंटेंशन बिकॉज इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। केवल इस चीज से आरजू जी मुझे उम्मीद है वी माइट बी एबल टू ब्रेक द आइस, बट डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला मोदी जी स्पोकन टू ज़ेलेंस्की एंड पुतिन मल्टीपल टाइम्स, काफी बार बात हुई, तो मोदी जी काफी अग्रसर है और आप जानते हो बड़े हार्ड वर्किंग टाइप के आदमी है, और एक बार कुछ ठान लिया तो फिर करके रहेंगे। बट हमारी दिक्कत है कि हथियार अगर ज़ेलेंस्की को मिलता रहा, देखिए अगर आप आग में जाके वो पेट्रोल डीजल और घी डालते रहे तो हमारे पास कितना बड़ा एक्सटेंशन हो वो तो रुकेगा नहीं ना, क्योंकि आपको आग को तो पहले जो सप्लाई है वो तो रुकनी पड़ेगी ना, आग तेल और घी की, ये नहीं रुक रहा। दिक्कत हमारी यहाँ है, जिस दिन जो बाइडेन चाहे वो सप्लाई रोक सकते हैं, जो बाइडेन ने सप्लाई रोक ली काम हो जाएगा। अब देखिए फ्रांस हाथ हटा रहा है, अब देखिए यूके हाथ पीछे खींच रहा है, यूरोप पीछे खींच रहा है, अभी टोटल सपोर्टेड वॉर है भाई यूएस एंड नेटो, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा पैसे कौन दे रहा है, हथियार कौन बेच रहा है। और अगर ये कल वाली घटना सच है, मान लीजिए मैं 200 लोग ही मान लेता हूँ, उनका नंबर है 400, इनका 63, में 200 मांग लेता हूँ, 200 जाए, अब पुतिन के पास भी तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा टू रिटेलिएट। और अब भी पुतिन इज नॉट यूजिंग हिज डेडलीएस्ट वेपन्स बिकॉज़ उसे पता है यार ये बनाना मुझे पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ज़ेलेंस्की बैठा है जिसे मैं पोलिटिकल पप्पू कहता हूँ, अब इस पोलिटिकल पप्पू के दिमाग में क्या चल रहा है भगवान जाने, बट जो मुझे लग रहा है इसके इरादे ठीक नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका इसको हथियार दे रहा है, देखिए आरजू जी यहाँ एक पॉइंट है, ये मना कर सकता ना हथियार के लिए, अगर इसके वाकई ये लड़ाई रोकना चाहता है इसको वेस्ट के हथियार लेना छोड़ना चाहिए। कल इसने फिर रशियन कैंप पे क्यों अटैक किया, क्यों उसने 200-300 लोग रशिया के मारे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसकी इंटेंशनों पे भी डाउट है। अगर इसकी इंटेंशन है लड़ाई रोकने की, ही शुड हैव नॉट अटैक्ड रशियंस एट सच अ बिग स्केल,
मतलब तुम फिर ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है, रशियंस के अगेंस्ट अमेरिकन और बाकी जो वेस्ट के वेपन है वो टेस्ट कर रहा है। तो ऐसा आदमी कहता है मुझे पीस भी चाहिए और मैं नए वेपन भी टेस्ट करूंगा, मैं हथियार भी लूंगा और मोदी जी मुझे बचा भी लो। मतलब तुम काहे समझते हो भैया, ज्यादा सुरते हो क्या तुम? जिसको देखिए जिसको पीस करनी थी वो उस हिसाब से चलता है। दिस मैन इज नॉट लॉजिकल। अगर आप देखें उसका जो प्रोजेक्ट ट्रेजेक्टरी है आरजू जी, वो लॉजिकल नहीं है जी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन सर फिर भी ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, इस वजह से मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस करूं। मगर साथ साथ एक चीज़ और सुमित जी, बीबीसी की भी वेबसाइट है आप जानते होंगे, और वहां पर भी न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। तो आज मैं एक देख रही थी आर्टिकल वहां पर, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके ऊपर कई तरह की एलिगेशंस लगती हैं, जैसे कभी हिंदुत्व को लेकर, कभी मुस्लिम को लेकर, वहाँ के इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में उन्हें बहुत वेलकम किया जाता है, इस्लामिक कंट्रीज में उन्हें बहुत अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये एक उन्होंने इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लिखा था कि इसकी क्या वजह है। तो मैंने कहा मैं वो रीजंस मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि वहां पे इस किस्म की बात होती रहती है, लेकिन इस्लामिक कंट्री कोई भी उठा लीजिए पाकिस्तान छोड़ के, आपको हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आएंगे। और ये इल्जाम भी लगता है उनके ऊपर कि जी अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था, लेकिन उसके बाद वो कई बार अमेरिका ना सिर्फ जा चुके हैं बल्कि वहां के पार्लियामेंट से खिताब भी कर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए आजू जी, ये जो लोग एलिगेशन लगाते हैं टूल किट गैंग है, हमारे कई सारी गैंग है। देखिये मोमबत्ती गैंग है, अगरबत्ती गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, इंटॉलरेंस गैंग है, बॉलीवुड की गैंग है, यहाँ कई सारी गैंग है, जेएनयू की गैंग है, टुकड़ा टुकड़े गैंग है। अब तो मतलब दो एक दर्जन गैंग है तो यहाँ पे है आज के डेट में जो सक्रिय है। और एक टूल किट गैंग भी आ गई नहीं। अब देखो उस ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट भेजा था, उसे टूल किट ही ट्वीट कर दिया। अब बच्चा है ना, बच्चों से गलतियां हो जाती है ना। अब 10-15 साल के बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? चाहे 10-15 साल का बच्चा अच्छा एक्टर हो सकता है, पर दिमाग तो थोड़ा लिमिटेड ही होता है ना, अभी ग्रोथ नहीं हुई, दिमाग बढ़ेगा जब, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे टूल किट डिलीट कर दिया। जो टूल किट गैंग है ये आरोप वो लगाती है, ये आरोप वो लगाती है। अगर आप कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर देखें, कोई भी डाटा उठा के देखें ग्राउंड पे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये देखें, मैं तो यही कहता हूँ, मैं कहता यार यहाँ कुछ लोग बातें करते हैं इस्लाम की, मैं कहूँगा यार तुम्हें इस्लाम के MBA से ज़्यादा समझ आता है। अब सऊदी इज़ द लैंड ऑफ होली प्रॉफिट, सऊदी इज़ द लैंड ऑफ मक्का, तो आपको क्या इस्लाम उनसे ज़्यादा समझ आता है क्या? मतलब आप उनसे बड़े मुसलमान हो गए क्या? मतलब आप, मैंने कहा वो आप पॉलिटिकल मुसलमान हो, आप पॉलिटिकली इस्लाम को यूज करके अपने फायदे निकालते हो। कल मैं यहाँ पे था, क्या कहते हैं उसको, अल जजीरा पे रहा, आप सुनिएगा, वहाँ पे एक पता नहीं मैडम थी कहीं, मैंने फोटो देखी मतलब आई नहीं, अब वो अरबिक में बोल रही थी, वो ट्रांसलेट कर रहा था, वो कह रही है कि इंडिया में एक ऐसा रूल है, सुनिएगा आज जी, इंडिया में ऐसा रूल है अगर आपकी 15 साल आपने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, जमीन आपकी हो गई। मैं कहा ये रूल कब बन गया? मैं कहा ये रूल कब बन गया? मैं कसम से, इट वॉज यस्टरडे एट प्राइम टाइम अल जजीरा, ही शी सेइंग कि इंडिया में रूल है कि अगर आपने किसी की जमीन पे 15 साल में रह ली वो जमीन आपकी। मैंने कहा अगर वो रूल होता तो हाईकोर्ट आपको इवैक्यूएशन नोटिस क्यों देता, हाईकोर्ट आपको हटने को क्यों कहता? बट ये देखिए इतने ब्लेटेंट झूठ बोले जा रहे हैं, कह रहे जी वहाँ जो इवैक्यूएशन नोटिस है वो मुसलमानों के लिए है। मैं कहा कि उसमें हिंदू नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें ईसाई नहीं है, या नोटिस में खास लिखा था खाली मुसलमानों के लिए है, बाकियों को नहीं। मतलब मुसलमान का घर खाली हो, बाकियों का घर रहे। मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा अभी जो गुड़गांव बना, यहाँ भी एक टाइम हिंदू डोमिनेटेड थे, लोग के खेत थे, बस्तियाँ थी, तोड़ के बनाया गया। दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, कहीं का एक्सपेंशन हुआ, एक एक जगह है यहाँ पे आप ये, हाँ फिर एक और एलिगेशन आया, कह रहे कि वो कह रहे कि जहाँ मोदी जी हैं और जहाँ बीजेपी है वहीं होता है। मैंने कहा यार ये लतीफपुर है यहाँ पे पंजाब में, वहाँ तो आम आदमी सरकार है। दिल्ली में डिमोल्यूशन हुआ, यहाँ आम आदमी सरकार है। तमिलनाडु में वहाँ DMK है, पटना में हुए वहाँ RLD है। मैं कहा वेस्ट बंगाल में वहाँ ममता दीदी बैठी है, तो ये कहाँ से दूसरा मतलब फुंतरू आया कि भाई ये सिर्फ वहीं होते हैं। अब आरजू जी क्या होता है ना, हम जैसे लोग जाके क्लैरिफाई कर देते हैं, चीज़ें बता देते हैं, जब हम फैक्ट्स देते हैं, जब हम डाटा देते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने कहा अगर 15 साल की आपकी जमीन है तो हाईकोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि डिमोलिशन का? नहीं देगा ना। इवैक्यूएशन नोटिस देगा? नहीं देगा। आपने 29 एकड़ रेलवे की जमीन पे 70 साल से कब्जा कर रखा है, अब रेलवे को जमीन चाहिए तो खाली करो, आपको रहने दिया, चलो शराफत है उनकी इतने साल तक, ये थोड़ी ना कि मैं खाली नहीं करूंगी। भाई आपके पास ना टाइटल है ना लैंड रिकॉर्ड है, जमीन आपकी कहाँ से होगी?
और ये आपने भी आज पहली बार सुना होगा, इतने आपने इंडियन टीवी पे इतने आती है कि 15 साल अगर किसी की जमीन पे कब्जा, नहीं मैंने कभी नहीं सुना ये आप सुनोगे भी नहीं। देखो ये है टूलकिट गैंग, बाहर जाके विदेशों में जाना, इधर जाना उधर जाना, शासन और प्रशासन को बदनाम करना, ये काम ये करते हैं, अपने मुल्क को बदनाम करना। पर अब इनकी जो मॉडस्ट ऑपरेंटी है आरजू जी, लोग समझ गए हैं मेरे को क्यों बिठाया था, मेरे को इसलिए बिठाया था, नहीं पता ये झूठ बोलेंगे, पता ये कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, तो जब मैंने जाके क्लैरिफाई कर दिया फिर बोलने को था ही नहीं। बट ये मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको, ये देखिए इंटरनेशनल मीडिया पे तक झूठ बोलना, ये इनकी फितरत है, ये इनकी कैफियत बन गई है। पर अब दुनिया समझ गई है, दुनिया के पास डाटा, दुनिया के पास इंटेलिजेंस है, दुनिया के पास चीज़ें, उन्हें लग रहा है यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके पास पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये इस्लामोफोबिया, ये फोबिया, वो फोबिया, ये कहते 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 डिमोलिशन सिर्फ होती है जहाँ बीजेपी होती है, फिर मैंने डिमोलिशन गिना दी, मैंने कहा इतने स्टेट में तो बीजेपी है ही नहीं, मुसलमान का ही घर गिरता है, मैं कहा यार कोर्ट के ऑर्डर में लिखा केवल मुसलमान का घर गिरा, बाकी हिंदू को छोड़ दो, बताओ कहाँ लिखा है। आरजू जी मतलब कहीं बार ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आती है, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आती है जिनका हो ही खान नहीं। हर एक को डेवलपमेंट चाहिए, हर एक को सड़क चाहिए, हर एक को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, भर अगर वही सड़क खोलनी है, वही बनानी है, वो कहता है ये तो मेरे जमीन कब्जा कर रखा है मैंने, मेरी जमीन है, अब क्या बताएं आप, ऐसी ऐसी चीजें होती नहीं वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही मैं आपसे पूछ रही थी कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या क्या बात है जो इतने ज्यादा फेमस हैं और इतने ज्यादा इनको पसंद किया जाता है या बुलाया जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर। मैं बताता हूँ, देखिए दो चीजें मतलब डायरेक्ट बोलूंगा आपको, इसलिए जो कंट्री है, देखो जो एजेंडा चलाने वाले एजेंट है वो तो कोई तो एजेंडा चलाते हैं, उन्हें पता है, बट जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके पास कई सारा चीजों से इंफॉर्मेशन आती है, जब वो इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी इस्लाम के अगेंस्ट हो, मुसलमानों के अगेंस्ट हो, क्या उन्हें बुला बुला के वहाँ सबसे बड़े पब्लिक इनाम देंगे, कहते हैं आ बैल मुझे मार क्यों करेंगे, हाँ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, अवार्ड नहीं देंगे ना, वो नो बडी वॉन्ट्स एट टर्मोइल इन माई होम टर्फ, नो बडी वॉन्ट्स दैट। तो मतलब जो गवर्नमेंटों ने अपनी जांच की, अपना उनके पास डाटा, जो भी उनका एनालिसिस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के गवर्नमेंटों को भी पता ही एजेंडा गैंग है, जो गैंग्स हमारे यहाँ 10-20 घूमते हैं उनमें से गैंग का कार्रवाई है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, आप देखिए इस्लामिक वर्ल्ड में भी टर्मोइल है, कहाँ शांति, कहीं शांति नहीं, आपके पाकिस्तान में शांति नहीं, यहाँ इतने ज्यादा मुसलमान है, वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट पीसफुल है, यहाँ कोई टर्मोइल नहीं है, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, ये एक वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान मुसलमान से नहीं लड़ रहा, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है, उसको और इंडिया को छोड़ के आपको कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी। अब देखिए शिया सुनी की लड़ाई, सीरिया और यमन की लड़ाई, सोजो से लड़ाई, ईरान का लफड़ा, आप ईरान ने आपने भी पीछे ईरान के 5 रिपब्लिकन गार्ड वारे, ईरान कहता हूँ बदला लूंगा, तालिबान भी मुसलमान, आईसिस मुसलमान, सीरिया, यमन, मोरक्को, मोरतानिया, अल्जीरिया, कहाँ नहीं है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है और यहाँ पे मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सच बताऊँ, यहाँ पे जो मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है, मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ रहा है। आपको मैं बताऊँ, यूपी में करीब करीब 43 लाख घर दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। आरजू जी यूपी में मुसलमान होगा 15-20% के आसपास, आपको पता है करीब 30-35% घर मुसलमानों के दिए गए, राइट। अब उसके घर में सिलेंडर आ रहा, अब उसके घर में नल आ रहा, उसके घर में टॉयलेट आ रहा, 1,38,000 स्कूल रिपेयर किए गए, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। मैं आपको कुछ डाटा बता रहा हूँ, मतलब इतने, और ये आपके करीब करीब जो एक इंश्योरेंस 6.5 करोड़ लोगों का किया गया, राइट, जो एलिजिबल थे, करीब करीब 14 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा, फ्री राशन, वहाँ तो हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है। 38,400 नए कारखाने लगाए गए। ये जो चीजें आती है, और आपके शो पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ये मैंने कहा था आपके शो पे बोलूंगा, ये कहते हैं ना मोदी जी ने क्या किया, मैं आपको बताऊं। आज जी एक डाटा सुन के आप हैरान होंगी, आपको भी उम्मीद नहीं होगी, एक कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स अगर बढ़ रहा, कंट्री बढ़ रही, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक है कि आपके यहाँ कितने लोग आके काम कर रहे हैं, या कहते हैं नौकरी नहीं है या ये नहीं है, जबकि एम्प्लॉयमेंट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रीजनेबली कंट्रोल्ड है, हमारा इन्फ्लेशन 6% से भी कम हो गया, आपके यहाँ देख रहा था 35.2% है। तो मैं इनको कह रहा, मैं कहा कभी जरा लाहौर हो क्या, पता लगेगा इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। एनीवे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आरजू जी जो 2014 की बात करें, जब मोदी जी आए थे, जो फॉरेनर्स यहाँ पे काम करते थे, वर्क वीजा जो थे,
वर्क वीजा आरजू जी यहाँ पे 50,000 से 1,00,000 थे, मतलब जो काम करने इंडिया थे 50,000 से 1,00,000 लोग टोटल था। इतनी कंपनी वंपनी सब मिला गए, जिसमें से 15-20,000 तो जापान की कंपनी, ठीक है, पहले हम बात कर चुके हैं। और अभी लास्ट महीने डाटा रिलीज हुआ, आपको पता कितना नंबर है आज की डेट में, कितना होगा, आप आइडिया लगाइए, नहीं आइडिया सर, बढ़ गया, मुझे मुझे आइडिया भी नहीं, आप बताइए।70 लाख, 70 लाख, 70 लाख, 7 मिलियन, मैं 1,00,000 भी मान लूं पहले, आज है 70 लाख, 70 मिलियन। मुझे एक कंट्री बताइए जहां 700% रेट ऑफ फॉरेनर्स हैज कम इन। मोदी जी जब आए, एलपीजी का जो कंसेंट्रेशन था 48% था, 6 साल में 98%, 98%, जबरदस्त। 80 करोड़ लोगों को अब भी खाना मिल रहा है। आपको बताइए, ठीक। अब हर जगह कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पावर नहीं है। और आपको पता है, अभी एक और डाटा, हमारा जो अभी जो हम ग्रीन एनर्जी पे कंट्री चलती है, वी आर कमिटेड इन पेरिस, आई थिंक 175 176 गीगाहर्ट्ज गीगावाट सॉरी गीगावाट्स, और हम करीब 163 या 168 पे पहुंच गए आरजू जी इतनी। और पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी 42 गीगावाट है, हमारी रिन्यूएबल 165 या 168 है। और आपको पता है 42% ऑफ द कंट्री टुडे, इंडिया जैसी कंट्री, 42% ऑफ द कंट्री रन्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सही। एनर्जी में चलते हैं 42% ऑफ द कंट्री। अब जब मैं लोगों को फिर मुझसे बात करते तो मैं बोलता हूँ, फिर मैं डाटा के साथ बोलता हूँ, नंबर से बोलता हूँ, नंबर का आंसर होता नहीं, क्योंकि देखिए गैंग चलाते हैं एजेंडा। अब जो गवर्नमेंट चलाती है वो नंबर देखते हैं, फैक्ट देखते हैं, फिगर देखते हैं, डाटा देख रहे हैं, तो उन्हें लगता नहीं मोदी जी वाकई बढ़िया काम कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। फर्क ये है, सबके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई हिंदू के लिए कर रहे, इसके लिए नहीं करना, इसके लिए नहीं करना। ये जो चीजें दिखती हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट सक्सेस। अगर मोदी जी अच्छा कर रहा है, मैं कैसे बोल सक्सेस का हिस्सा बनू, मैं भी एक अवार्ड दे देता हूँ, मैं भी आके सम्मान कर देता हूँ, मैं भी दो चीज बताऊँ, वी ऑल्सो डू, एंड विच इज अ स्मार्ट मूव डिप्लोमेटिकली, एक बहुत स्मार्ट मूव होता है, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल स्मार्ट मूव होता है, तो होना वो भी यही बहुत। चाहिए तरीके से, और बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये चीजें जब होती है तो फॉरेन पावर्स इसको एक्नोलेज करते हैं, एंडोर्स करते हैं, क्योंकि जितना मेरे पास डाटा या जितना मेरे पास वो है, व्हाट डू यू कॉल दिस, इंटेलिजेंस या रेवेन्यू या जो भी आप कहें, जो है मेरे पास है, तो उससे मेरे से तो कई गुना ज्यादा उन गवर्नमेंट्स के पास होगा, कई ज्यादा गुना ज्यादा रिसोर्स होंगे जिन्हें इनसे पता लगता है। तो अब यही पर ये कुछ लोगों को यहाँ हजम नहीं होती, कुछ लोगों को यहाँ तकलीफ होती है, वो अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। ऐसे सर, ऐसे लोग हर जगह होते हैं, आपको हर जगह मिलेंगे, हर कंट्री में मिलेंगे, जो जो गवर्नमेंट के लिए इस किस्म की बात करते हैं, लेकिन असल बात ये है कि बाकी लोगों को भी वो चीज़ फील हो कि हाँ ये काम हो रहा है या ये काम नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली अगर बाकी कंट्रीज समझ रही हैं, और स्पेशली अगर इस्लामिक कंट्रीज बुला के अवार्ड दे रही हैं या बात कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको नजर आ रहा है कि आपके करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने अपने जो हैं वो तो खैर कुछ और ही कहते हैं, उनका तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बाहर वाला अगर अप्रिशिएट करे तो वो जरूर काउंट होता है। नहीं। और आरजू जी एक कंट्री नहीं, सारी कंट्रियां, ये एक कंट्री की बात नहीं है, सारी कंट्रियों की बात है। और आपको देखिए एक और चीज बताऊं, देखिए हमसे अभी बहुत जल्दी खलीफा नाराज होने वाले हैं अर्दोगन, हमने अभी डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे साइप्रस, आई थिंक काफी साल बाद गए ऑस्ट्रिया, जी। तो मुझे लगता हमारे फॉरेन मिनिस्टर 27 साल बाद गया कोई, और ऑस्ट्रिया में भी काफ़ी अच्छी ये हुई, और करीब $2.5 बिलियन का ट्रेड है, इसको बढ़ाना है, एफटीए की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया तो, और ऑस्ट्रिया के साथ घुसते में यूरोपियन यूनियन में हमारा एक अच्छा साइजेबल पार्टनर बन गया, हमारे पास फ्रांस जर्मनी वगैरह ये तो है ही, बट अब ऑस्ट्रिया भी एक उभरती हुई कंट्री, उभरती हुई शख्सियत है, करीब बिल्कुल डेढ़ सौ कंट्री जी। है, 150 कंट्रियाँ, 150 उनकी कंपनियाँ यहाँ, उनको और बढ़ाना है, ट्रेड को बढ़ाना है, एफटीए की बात वहाँ भी हो रही है। मैंने कहा ना आपको, हर कोई हमसे एफटीए करना चाहेगा। और यहाँ पे साइप्रस के साथ, ये इम्पोर्टेंट है, साइप्रस के साथ आरजू जी हमने मिलिट्री मोबिलिटी पैक्ट किया, किसको जवाब देने के लिए, अर्दोगन को, क्योंकि नॉर्दर्न साइप्रस पे कब्जा कर रखा है टर्की ने, और वो एसेंशियली मुस्लिम डोमिनेटेड है, क्योंकि तुर्की से लोग लाला के बसाए, साइप्रस इज बेसिकली ग्रीक डोमिनेटेड, मैं रहा हूँ साइप्रस में 2 साल, तो इसलिए अच्छा आइडिया है। तो अगर आप साउथर्न साइप्रस से नॉर्दर्न साइप्रस जाएंगे, बीच में यूएन बफर जोन है, तो आप पीछे उसमें जाएंगे तो आपको लगता है 50 साल पीछे टाइम में आ गए, बट वहाँ डेवलपमेंट है नहीं। तो अब पहली बार भारत ने एंट्री मारी है यूरोप में, और एंट्री ऐसी मारी है कि जो चीज़ किसी की करने की हिम्मत नहीं थी। देखिए अर्दोगन बोल रहा था पीछे कश्मीर कश्मीर, बहुत राग अलाप रहा था कश्मीर कश्मीर, तब हमने बोला था भैया देखो हम तुम्हें जवाब देंगे, हम भी साइप्रस बोलेंगे, अब साइप्रस बोला ही नहीं,
डॉक्टर जयशंकर साहब 2 दिन लगाए, साइप्रस आजू जी टोटल 200 किलोमीटर का एरिया है, निकोसिया और लिमोसोल जहाँ 2 दिन लगाए थे, 1 घंटे का मोटरेबल डिस्टेंस है, गाड़ी का डिस्टेंस है। तो डॉक्टर जयशंकर जैसे व्यस्त आदमी 2 दिन वहां लगाए, तो मैं सोच रहा था कोई जरूर करने वाले, फिर पता लगा मिलिट्री मोबिलिटी पैक्ट कर रहे हैं और अब साइप्रस को अब हम विल गिव देम नेसेसरी सपोर्ट टू फाइट टर्किश एग्रेशन। तो यहाँ जो अर्दोगन जो खलीफा कश्मीर की बात कर रहा था, वहाँ हम उसकी टेरिटरी में जाके उसके साथ, उसकी टेरिटरी तो है नहीं खैर, उसके कब्जे में करी हुई टेरिटरी में जाके हमने साइप्रस को एनेबल किया, और हम ग्रीस को भी एनेबल कर रहे हैं। 2 जगह से उसे जवाब मिलेगा, एक उसे साइप्रस से मिलेगा, एक उसे ग्रीस से मिलेगा। दोनों जगह ही ग्रीक सिविलाइजेशन है, तो मैंने थोड़ी बहुत ग्रीक जो सीखी थी वही सीखी थी, तो इनको दोनों जगह से जवाब मिलेगा। ये अब भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व है अर्जुन जी, पहले भारत ये नहीं करता था, अब भारत ये जाके करने लगा और यूरोप में करने लगा। ये भारत की मैं ये मानता हूँ पहली एक सॉलिड एंट्री है यूरोप में, और डायरेक्ट एंट्री है, मतलब दाएं बाएं नहीं है। और आज जो चीज कोई करता नहीं था, नहीं तो देखिए सरप्लस से हम कितना ट्रेड करेंगे, और माइनस टूरिज्म कुछ नहीं होता, और लोग 5-6 महीने काम करते हैं बाकी ऐश करते हैं। तो साइप्रस जाके अगर आप ये वाला पैट कराते हो, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हो अपने काउंटर पार्ट्स को, वो जहाँ कहीं भी है। और अब देखिए खलीफा तो परेशान हो गया, परेशान घूम रहा होगा, देखते हैं कि वो बिल्कुल देखते हैं, घूमने दे उसको, परेशान होने दे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिवली काम करना चाहिए और वो फिर सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है और देखती भी है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।